अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 1 सेट की है। ये 10th क्लास की मैथ है सिंध बोर्ड की। इसका क्वेश्चन नंबर 6 है कि लेट ए, सेट ए है उसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी, एंड सेट बी है जिसके एलिमेंट्स हैं एक्स एंड वाई। तो फाइंड क्या करना है? नंबर 1, टू रिलेशन इन ए क्रॉस बी, एंड देन नंबर 2, टू रिलेशन इन बी क्रॉस ए। तो हमें टू रिलेशन बनाने हैं ए क्रॉस बी में से। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर 1 लिखते हैं और फर्स्ट हम ए क्रॉस बी बनाएंगे। किस तरह? ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले हम ए के एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि हैं ए बी और सी, और क्रॉस की साइन दे देंगे यहाँ पे, और बी के एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि हैं एक्स एंड वाई। तो इसका क्रॉस क्या होगा? अब क्रॉस में ये होता है कि ये जो ए का फर्स्ट एलिमेंट है वो हम एक्स के साथ रखेंगे पेयर में, ए और एक्स रखेंगे, उसके बाद ए और वाई रखेंगे, और उसके बाद बी और एक्स रखेंगे और बी एंड वाई रखेंगे पेयर में, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ से सी रखेंगे और सी और एक्स रखेंगे और सी और वाई रखेंगे। तो ये हमें ए क्रॉस बी मिल गया। अब हमें क्या करना है? टू रिलेशन रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं रिलेशन नंबर 1, रिलेशन 1। अब रिलेशन 1 में आप यहाँ से दो कोई भी पेयर ले सकते हैं, दो पेयर, ठीक है। आप यहाँ से दो पेयर कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से पेयर रिलेशन 1 में पेयर लिखता हूँ, फर्स्ट वाई एंड ए एक्स, और यहाँ से बी एक्स। तो ये एक रिलेशन हो गया। उसके बाद रिलेशन 2, दो रिलेशन बनाने हैं। तो रिलेशन 2 में मैं लेता हूँ बी एक्स। आप रिपीट में पेयर ले सकते हैं और कोई भी पेयर ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैं लिखता हूँ बी एंड वाई, बी एंड वाई एंड सी वाई। तो ये दो रिलेशन हमने बना लिए। ये था क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1। तो पार्ट नंबर 2 का, पार्ट नंबर 2 में है कि बी क्रॉस ए करें फर्स्ट, उसके बाद टू रिलेशन बनाने। पहले हम बी क्रॉस ए करेंगे, बी के एलिमेंट्स हैं एक्स एंड वाई, और क्रॉस की साइन दे देंगे, और ए के एलिमेंट्स लिखेंगे जो के हैं ए बी और सी। अब हम क्रॉस बनाएंगे किस तरह? यहाँ से ए एक्स लेंगे जो ए से रखेंगे, और उसके बाद एक्स रखेंगे किसके साथ? बी के साथ, और एक्स रखेंगे सी के साथ। फिर जो है हम एक्स और सी का हमने बना लिया। उसके बाद हम पेयर बनाएंगे वाई एंड ए का, वाई और ए, और उसके बाद वाई और बी, और उसके बाद वाई और सी। अब ये हमें बी क्रॉस ए मिल गया। अब हमें दो रिलेशन रखने हैं, अब दो रिलेशन बनाने हैं, ठीक है। तो कोई भी आप यहाँ से रिलेशन ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रिलेशन 1 लेता हूँ। रिलेशन 1 में लिखता हूँ y एंड a, y एंड a पेयर, और दूसरा पेयर जो है y एंड b। आप कोई भी पेयर ले सकते हैं। रिलेशन जो है दो पेयर के बीच में होता है। और उसके बाद हम रिलेशन 2 बनाएंगे। रिलेशन 2 में हम लेते हैं यहाँ से x और a, और
एक्स एंड बी और एक्स एंड सी। तो ये हमारा रिलेशन 2 बन गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अगले क्वेश्चन जो है 2 क्वेश्चन 3 एंड 4 हम अगली वीडियो में करेंगे।